भागलपुर सुल्तानगंज में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। वही दुकानदारों द्वारा दोपहर 12 बजे अपनी दुकान खोलकर सामान बेचने में मशगूल हैं। इस ओर दुकानदार से बातचीत किया गया तो कहा लॉकडाउन नहीं मानते हैं। सरकार और प्रशासन का मजाक बनाते हुए बिना फर्नीचर की दुकान खोलकर सामान बेचते देखे गए, जो वीडियो में साफ देख सकते हैं। मना करने पर 500 रुपया मानते हुए की बात कहते हुए मीडिया पर धौंस दिखाते नजर आए। ऐसे कई दुकान शहर के अब्जुबैदव सुल्तानगंज बाजार में चोरी छुपे सामान बेचते देखे गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा शहर में लगातार चौकसी बरतने के बावजूद दुकानदार सरकार के गाइडलाइन नहीं मानते हुए नजर आए। वही पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में एक दुकान दूसरे दुकानदार सामान बेचने में मारपीट कर लिए। ग्रामीणों ने बताया कि चुगी भंडार व कृष्ण चुगी भंडार चाचा भतीजा है, जो सामान बेचने के दौरान आपस में झगड़ा होने पर पुलिस पहुंची तभी दुकान बंद कर मौके से फरार होकर घर में घुस गए, जिससे शहर में घंटों जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। जब सब बंद किया हुआ आप खोले हुए हैं। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.